दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं आज आपको ऐसी दवाई बता रहा हूँ, ऐसा एक नुस्खा बता रहा हूँ कि पेट की सभी बीमारियों को कुछ ही दिन में गायब कर देगा। कई लोग कहते हैं हमारा पेट टाइट है, कई लोग कहते हैं हमारे पेट में गुड़गुड़ हो रही है, गैस बन रही है, एसिडिटी बन रही है, तेजाब बन रहा है, हाजमा ठीक नहीं है, कब्ज रहती है, यानी किसी भी प्रकार का खाना खाने के बाद में पेट फूल जाता है, पेट में जलन होने लग जाती है, ऐसे कोई भी रोग है आपके, उस सब के लिए मैं आपको आज एक दवाई बताने जा रहा हूँ, आपको एक नुस्खा बताने जा रहा हूँ। आप अंसारी की दुकान पे जाके वो नुस्खा लेके आएंगे और जिस प्रकार मैं कहूँ उस प्रकार आप बना लेना और फिर देखना कि कितना जल्दी आपके पेट के अंदर ठंडक पड़ती है और ये सारी बीमारियां ऐसे भाग जाएंगी जैसे ऑल आउट जलाने के बाद में मच्छर भाग जाते हैं, इसी प्रकार सारी बीमारियां ये भाग जाएंगी। तो दोस्तों मैं हूँ रवि गिरी और आप मेरा चैनल देखा करते हैं रवि गिरी बाबा का सच। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया मेरे चैनल सब्सक्राइब कर ले और पास में बेल आइकन है उसको भी दबा के ऑल पे क्लिक कर ले ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो टाइम पे मिल सकें। क्वालिटी वीडियो बनाया करता हूँ मैं, आपको बहुत ज़्यादा लाभ देंगे मेरे वीडियो। तो चलिए दोस्तों अपने चलते हैं वीडियो की तरफ, उस दवाई की तरफ, अपने लेके आते हैं पंसारी से गोंद कतीरा। दोस्तों इसका नाम जरूर गोंद है, गोंद जो है वो पानी में डालते ही पानी में मेल्ट होना शुरू कर देता है, घुल जाता है पानी में, लेकिन गोंद कतीरा एक ऐसी चीज है जो पानी में घुलती नहीं है, ये फुलावट में आ जाता है। तो आप 100 ग्राम गोंद कतीरा ले आइए पंसारी की दुकान से, बहुत सस्ता मिलता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता और ये 100 ग्राम आपको ठीक कर देगा। आपको क्या करना है कि गोंद कतीरा ला के उसको हल्का सा कूट लेना है, मतलब बड़े बड़े दाने होते हैं तो थोड़ा छोटा दाना बना लेना है और बाकी नहीं कूटोगे तो भी ये चलेगा। आपको क्या करना है, शाम के टाइम में कांच के बर्तन में आप इसको आधा चम्मच भिगो दो, आधा चम्मच भिगो के पानी इसमें पूरा डाल दो। ये नहीं है कि आधा चम्मच डाला है तो दो चार चम्मच पानी डाल दो, इससे काम नहीं चलेगा। आप कम से कम उसके अंदर 150 से 200 ग्राम पानी डालिए और फिर देखिए जब सुबह उठेंगे तो वो गिलास पूरी की पूरी गोंद कतीरा से भरी हुई हमें नजर आएगी, इतना फुलावट में आता है ये। जब ये पूरी तरह फूल जाए दोस्तों तो आपको क्या करना है कि इसको किसी छन्नी से छान लेना है, इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है उसको छान लेना है। इस पानी को छान कर और पानी को फेंकना है, इस पानी का कोई यूज नहीं होता इसलिए इसको फेंक देना है पानी को, और खाली गोंद कतीरा है उसको कोई अच्छे बर्तन में निकाल लेना है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपके पास में मिश्री है नहीं तो वो भी पंसारी की दुकान से थोड़ी ले आना और कूट पीस के तैयार करके रख लेना। इसमें आपको क्या करना है कि एक चम्मच मिश्री मिला देनी है और उसके बाद में आप इसको अगर अभी खा रहे हैं सर्दियों में तो सिंपल सा दूध ले लीजिए, और अगर गर्मियों में खा रहे हैं तो बिल्कुल ठंडा दूध लीजिए और उसके अंदर मिलाकर और फिर चम्मच से खाते जाइए, दूध पीते जाइए और हर बीमारी को अपनी को भगाते जाइए, देखिए कितनी जल्दी आपकी बीमारी भागेगी। तो आपको ये गोंद कतीरा जिस प्रकार मैंने बताया है आप लोगे तो, कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारी नाभि 4 उंगल ऊपर को खिसक गई। अरे भैया कहाँ आप साइकिक हुए खड़े हो, किसने कह दिया कि 4 उंगल कोई चीज़ हमारे शरीर का कोई अवयव इधर से इधर हो सकता है, हो ही नहीं सकता। तो मैं उन लोगों के लिए भी ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप एक बार गोंद कतीरा खा के देखिए, कुछ दिनों के लिए खाइए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपकी नाभि भी सही आ रही है, नले भी आपके सही हो रहे हैं, ये सब चीज़ आपकी यानी पेट में जितनी भी आंतों की गड़बड़ है, नाभ की गड़बड़ है, जो भी गड़बड़ है सारी की सारी अपने आप दूर हो जाएगी। तो दोस्तों इस नुस्खे को एक बार आजमाना,
और जाते जाते एक लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।